नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 50 खबरों के बाद हम उस संभावित गठबंधन पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक यूपी और दिल्ली से है। दिल्ली में राहुल गांधी आपसे गठबंधन को लेकर इस वक्त कांग्रेसी नेताओं के साथ माथापच्ची कर रहे हैं, तो अटकलें हैं कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों को लेकर कांग्रेस आप में 3-3 सीटों पर फॉर्मूले पर अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक स्थानीय नेता गठबंधन की बात से भी नाराज है, तो कुछ बड़े नेता हालात को देखकर केजरीवाल से हाथ मिलाने की वकालत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आरएलडी ने थक हार कर चुनावी ठिकाना तलाश किया है। एसपी बीएसपी के साथ साथ आने का आज ऐलान हो सकता है। आरएलडी 3 सीटों पर राजी हो सकती है और आज अखिलेश और जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो दो बड़ी खबरें चुनावी गठबंधन को लेकर, एक तरफ दिल्ली में आप और कांग्रेस की गठबंधन की बात, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीएसपी एसपी के साथ आरएलडी का आना। तो दोनों ही तरफ से खबरें आ सकती है बहुत जल्द। दिल्ली में 7 सीटों पर 3-3 सीटों का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ लोग हैं जो नाराज हैं इस गठबंधन से, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो फिलहाल परिस्थिति है उसे देखते हुए आपसे हाथ मिला लेना कांग्रेस के लिए ठीक होगा। इस बीच शीला दीक्षित का हाथ हिलाना, मुस्कुराना, अब देखना होगा कि क्या कुछ यहां पर निकल के आता है, क्या वाकई यहां पर गठबंधन बन पाता है या नहीं, तमाम तरह की चीजें। हालांकि पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी आप और कांग्रेस में गठबंधन के। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, पहले तो अटकलें ही थी लेकिन अब 3-3 सीटों की बात हो रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, तीन अहम बात। पहली ये कि 3-3-1 का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया है, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस को, 3 सीटें आम आदमी पार्टी को और 1 सीट कोई ऐसी जहां शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा ऐसा कोई उम्मीदवार जिसको दोनों समर्थन दे दे और दोनों का जो एक कहें कि ताकत बराबरी की रहे, ये फॉर्मूला है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस इसके लिए लगातार इनकार करती रही है और आज भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सामने गठबंधन को लेकर मनाही करने जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो देश भर में गठबंधन की कवायद कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस गठबंधन के लिए कांग्रेस को तैयार होना चाहिए। उससे दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान दे सकते हैं, ये राहुल गांधी को बताया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं से चर्चा करने की पहल की है। और दूसरी अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा में भी सीटें चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस कतई तैयार नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, हरियाणा ने मना कर दिया है। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के दिल्ली नेताओं को लगता है कि आप लोकसभा चुनाव में अगर तालमेल करेंगे तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते सीटें मांगेगी और ऐसे में यूपी बिहार जैसा हाल दिल्ली में ना हो जाए। तो इन तीनों अहम मसलों को लेकर चर्चा हो रही है और सूत्र ये बता रहे राहुल गांधी बात सुनेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेता यही कहेंगे कि बाद में अगर आलाकमान फैसला जो भी करेगा हमें मंजूर है, लेकिन तालमेल नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी को फैसला करना है और सूत्र ये बता रहे हैं कि फैसला चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद यानी 8-9 मार्च के बाद सामने आएगा। बिल्कुल, इसके लिए इंतजार करना होगा और आज देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बीच आपको सुनवाते हैं कि पिछले ही हफ्ते क्या कुछ कहा था गठबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने। हो रहा है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ऐसा उन लोगों ने बताया, उन लोगों में से राहुल गांधी ने, कांग्रेस की तरफ से बताया गया। तो मतलब ये मान के चली जाए कि खत्म है, कोई चांस नहीं है, ऐसा लगता है? तो आपको लगता है कि दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी को फायदा होने वाला है? लड़ाई टफ होगी, अगर दोनों साथ आते हैं तो बीजेपी वाइप आउट हो जाती, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है, अभी हम जो सर्वे करा रहे हैं अपने, मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसके बावजूद भी, हालांकि कांग्रेस साथ नहीं आ रही, इसके बावजूद भी हम लोग बीजेपी को शिकस्त देंगे। क्यों कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पा रहा? कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अब उनका थोड़ा अपस्विंग पर है और अरविंद केजरीवाल के साथ जाने में नुकसान होगा इस वजह से, और आपको लग रहा है कि जरूरी है क्योंकि आपका थोड़ा सा डाउन स्विंग पर है वोट परसेंटेज? मुझे डाउन स्विंग और अपस्विंग का कोई मतलब नहीं है। आज अगर देश के लिए मेरे को आम आदमी पार्टी बंद करनी पड़े ना, मैं 2 मिनट में बंद कर दूंगा। मेरे लिए केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 मिनट नहीं लगाऊंगा आम आदमी पार्टी बंद करने में, सत्ता के लिए नहीं आए, देश बचाने के लिए आए। तो देश बचाने के लिए आए हैं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। इस बीच शीला दीक्षित क्या कुछ कह रही है ये सुनाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आला कमान ने कुछ नहीं कहा है, हम लोगों, मैंने ज़रूर समझा। इससे पहले कि मैं बात कह दूँ, अपनी राय जो हमारे लोग हैं
जो हमारे MLAs रह चुके हैं, किसी पोजीशन में रह चुके हैं, जो करंटली हैं पोजीशन में, उनसे सबसे पूछ लूँ कि उनकी सबकी राय क्या है, तो उसको मैं कन्वे कर दूँगी। तो क्योंकि ये चर्चा अखबारों में बहुत निकल रही है, क्या है किसी को नहीं मालूम है, कहाँ से वो ला रहे हैं ये भी नहीं मालूम है। तो सबने यही कहा कि इसके पक्ष में नहीं है, खत्म। कुमार विक्रांत हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, अखबारों में खबरें छप रही हैं, अंदर कुछ पता नहीं है, शीला दीक्षित क्लैरिटी नहीं दे पा रही हैं, इस बीच क्या होगा? क्योंकि फिर यहां पर दो तरह की बातें, विचारों में मतभेद, ऐसे में क्या आपको लगता है गठबंधन होगा, ये तय है? देखिए, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। शीला दीक्षित हो, कैप्टन अमरिंदर हो या हरियाणा कांग्रेस हो, तीनों ने साफ तौर पर मना कर दिया है गठबंधन नहीं होना चाहिए। दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार में है, इसलिए यहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जिनका ये कहना है कि बड़ा मामला है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, ऐसे में राज्य के मतभेदों को छोड़ करके दिल्ली में गठबंधन कर लेना चाहिए। हरियाणा और आम आदमी पार्टी या पंजाब में आम आदमी पार्टी कहीं सत्ता में नहीं है, ना कोई बहुत ज्यादा हैसियत में है, ये कांग्रेस मानती है। तो दिल्ली में कांग्रेस के जो बड़े नेता, उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि भले ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मना कर रही हो, आप गठबंधन कर लीजिए दिल्ली में। तो इसीलिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को मिलने के लिए राहुल गांधी ने बुलाया है, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता दो बातें कहने जा रहे हैं। पहला तो यह, गठबंधन नहीं होना चाहिए। दूसरा यह कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें लड़ेगी, और ऐसे में कांग्रेस का सत्ता में वापस आना दिल्ली कहीं यूपी बिहार की तरह कांग्रेस के लिए ना हो जाए, जहां कांग्रेस नंबर एक दो की पार्टी से बाहर हो गई है। तो यह प्रदेश कांग्रेस कहने वाली। अब राहुल गांधी को तय करना है कि क्या वो राष्ट्रीय स्तर के मद्देनजर 3-3-1 के फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हैं या नहीं। तो यह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की राय के बाद राहुल गांधी, जो बड़े नेता हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि पंजाब हरियाणा में ना सही लेकिन दिल्ली में करिए, तो वो नेता मुलाकात करेंगे राहुल गांधी से। उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन अहम बात यह है कि जो बड़े कांग्रेस के नेता, वो चाहते हैं कि 3-3-1 के फॉर्मूले पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से मोदी सरकार से निपटना है कांग्रेस जो मानती है, उसके मद्देनजर दिल्ली में समझौता हो जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा में भी चाहती है, उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। तो अभी काफी कुछ होना बाकी है, लेकिन राहुल गांधी के जो बड़े करीबी नेता हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली में गठबंधन 3-3-1 के फॉर्मूले पर हो जाए। प्रदेश कांग्रेस की बिल्कुल इंतजार करना होगा, विक्रांत, इंतजार करना होगा। फिलहाल शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।